निर्जरा प्रोजेक्ट अंतर्गत गरीब तथा होनहार लड़कियों के सर्वांगीण विकास शिविर का आयोजन आईएमए उमंग द्वारा आईएमए सभागृह में 11 मई से 31 मई तक शुरू किया गया है। उक्त जानकारी पत्र परिषद में आईएमए उमंग विंग की डॉक्टर प्रेरणा कुलदे ने दी। इस शिविर में 60 लड़कियों का समावेश है। सुबह 7 से 11 बजे तक यह शिविर लिया जाता है, जिसमें विविध विषयों पर 29 व्याख्यान का समावेश है। पीएसआई विकास मुंडे द्वारा साइबर क्राइम पर मार्गदर्शन, डॉक्टर सुधीर भावे नागपुर द्वारा मानसोपचार तज्ञ पढ़ाई कैसे करें विषय पर मार्गदर्शन, एडवोकेट मनश्री अम्बाड़े महिला व बच्चे का हक, मनोहर सबरे स्वयं को पहचाने तथा आईएमए वुमेन्स विंग के सदस्यों ने स्वास्थ्य तथा अन्य विषय पर मार्गदर्शन किया। प्रशिक्षणार्थी लड़कियों को सुबह 9:30 बजे नाश्ता दिया जाता। 9:30 से 11 बजे तक स्किल डेवलपमेंट, जिसमें ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, कचरे से वस्तु बनाना, एम्ब्रॉयडरी तथा सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि यह उपक्रम पिछले वर्ष से वुमेन्स आईएमए चंद्रपुर द्वारा शुरू किया गया है। इस वर्ष COGS चंद्रपुर, ऑब्स्टेट्रिक्स तथा गायन सोसाइटी, आरुषि सोसाइटी, वर्क फाउंडेशन, संगीनी क्लब चंद्रपुर का सहयोग मिला है। सत्यसाई सेवा संस्थान द्वारा सिंधवाही तहसील के इटोली की 8 लड़कियों का समावेश है। ज्यादातर लड़कियां 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। यदि उन्हें इस उम्र में उचित मार्गदर्शन मिला तो लड़कियों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ सकता है। यह इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है। शिविर का समारोह कार्यक्रम 31 मई को शाम 5 बजे आईएमए सभागृह में किया गया है। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि महापौर अंजलि घुटेकर, पुलिस अधीक्षक नियति ठाकर उपस्थित रहेगी। इस दौरान लड़कियों द्वारा तैयार की गई विविध वस्तुओं का प्रदर्शन व बिक्री की जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर प्रेरणा कुलदे, वुमेन्स विंग की डॉक्टर प्रीति चौहान, डॉक्टर नगीना कोल्हे, डॉक्टर नसरीन भवानी, डॉक्टर पल्लवी इंगले, COGS के डॉक्टर शर्मिली पुद्दार, डॉक्टर मनीषा घाटे, डॉक्टर ऋतुजा मुंधड़ा, आरुषि की लैला रयानी, गायत्री देशमुख, संगीनी क्लब की श्रीमती पालीवाल, आश्लेषा जुमड़े का सहयोग मिला। साथ ही आईएमए के डॉक्टर करमरकर, डॉक्टर मनीष मुंधड़ा का सहयोग मिला। स्विंग चंद्रपुर, आईएमए चंद्रपुर, आरुषि सोशल वर्क फाउंडेशन, स्त्री रोग संगठना चंद्रपुर और संगीनी क्लब की तरफ से निर्जरा 2, ये निर्जरा उपक्रम का ये कांस्टेंट दूसरा साल है, जिसके अंतर्गत इस साल हमने 66 गरीब पेशा के नीचे की लड़कियों को हमारे कैंप में सम्मिलित किया है और उनको हमने एक 21 दिन का कंप्लीट पैकेज दिया है, जिसके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, योग प्रशिक्षण, सेल्फ डिफेंस, साइबर क्राइम और टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, एनाटॉमी ऑफ द बॉडी, ऐसे बहुत सारे विषयों के ऊपर 1 घंटे का हम उनको रोज़ अभ्यास कराते हैं, उसमें डिस्कशंस होते हैं और उसके बाद हम 1 घंटे का उनको स्किल सिखाते हैं, जिसके अंदर मेहंदी, एम्ब्रॉयडरी, हम लोग उनको पार्लर, ब्यूटी पार्लर के कुछ टिप्स देते हैं, जिसके क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसमें वो खुद ही कुछ चीज़ें बनाकर फ्यूचर में कभी ऐसा नौबत आए तो बेच सके, ऐसी सारी हम चीज़ें उनको सिखाते हैं। इसके अंदर लड़कियां इतनी अच्छी घुल मिल गई है पिछले 12 दिनों के अंदर, और हमको जो असेसमेंट हमने पहले दिन किया था कि लड़कियां जिस एरिया से आती है, उनके माता पिता क्या करते हैं, किस तरह का उनका बर्ताव होता है, कैसी भाषा वो बोलती है, कितनी साफ़ सुथरी रहती है, और अब 12 दिनों के बाद जब हमने उनका असेसमेंट किया तो हमने पाया कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट है ये लड़कियों के अंदर, इनका आत्मविश्वास बढ़ा है, इनके अंदर नया हुनर सीखने की इच्छा जागृत हुई है और पढ़ने की इच्छा हुई है। इसमें हमने उनको स्त्री भ्रूण हत्या के बारे में भी बताया है, तो उनको एक अपने आयुष्य और आने वाली लड़कियों की जो पीढ़ी आने वाली है उसके प्रति उनको सचेत किया है, जो उन्होंने बहुत पॉजिटिवली ग्रहण किया है। और इस साल हमारे कैंप के अंदर 9वीं पास लड़कियाँ हैं, पिछले साल हमने एक बड़ा रेंज रखा था और पिछले साल का जो सक्सेस था उसको देखते हुए हम लोग इस बार कई और संस्थाएं इसमें जुड़ी है और हम बहुत ही उत्साहित हैं ये प्रोग्राम को लेकर, और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी हम ऐसे ही काम करते रहें और हमारे साथ लोग जुड़ते रहें। धन्यवाद।